ने बात की पांच ऐसे शेयर्स की जहां पर आज एक दबाव देखा जा रहा है नेगेटिव न्यूज फ्लो की वजह से, और साथ ही आपको बताया कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर ब्रोकर हाउसेस कंफर्टेबल नहीं है। डेंजर जोन में जिन स्टॉक्स पर चर्चा हुई में टाटा मोटर्स, मंदारा इंडस्ट्रीज, आईटीसी, शुगर स्टॉक्स और रिलायंस पावर का जिक्र किया गया, और कमिंस इंडिया जहां पर ब्रोकर हाउसेस कंफर्टेबल नहीं है। एम्बिट का मानना है कि 805 के स्तर से टूट के ये शेयर 600 तक के लेवल्स टच करने की कोशिश कर सकता है, तो अलर्ट रहे। अगर आप इन स्टॉक्स में निवेशित हैं, निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए। लेकिन अब बात करते हैं ऐसी कंपनी की जिसके नतीजे इस क्वार्टर में खराब नहीं है बल्कि कंसिस्टेंटली कंपनी लगातार खराब परफॉर्मेंस पोस्ट कर रही है, और ये कंपनी है मरक्सिया। यहां पर आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। कंटेनर पैकेजिंग सेगमेंट में ये कंपनी डील करती है, और हमने देखा है कि जो कंपनी है वो लगातार जो नतीजे हैं वो खराब पोस्ट कर रही है। क्वार्टर फोर में अगर खास तौर पे देखें तो कंपनी घाटे से, मुनाफे से घाटे में आई है क्वार्टर फोर में। पिछली चार तिमाहियों से हम देख रहे थे कि जो कंपनी का मुनाफा था वो लगातार डिप हो रहा था, और इस बार कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई है। ब्याज लागत कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, और अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे क्वार्टर फोर में तो वो भी नेगेटिव में रहे हैं। साथ ही जो ईपीएस रहा Q1 का वो 3.5 रुपए था, लेकिन अब जो ईपीएस है Q4 का वो नेगेटिव में आ चुका है। और बीते एक साल की अगर प्राइस परफॉर्मेंस भी आप स्टॉक के देखेंगे तो ये कंसिस्टेंटली करेक्ट ही हुआ है अपने हायर लेवल से, 49 पर आ चुका है, यानी अपने निवेशकों को काफी निराश किया है। तो अलर्ट रहिए अगर आप मरक्सिया में इन्वेस्टेड हैं या फिर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जो फाइनेंशियल और फंडामेंटल पिक्चर है वो काफी कमजोर नजर आ रही है। सौरभ, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे इस शेयर पर? मेरी समझ जब मनक्सी एक स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में है, और क्योंकि काफ़ी बिजनेस इनका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस खराब चल रहा है, साथ में डेट का भी बर्डन है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस और ज़्यादा बॉटम लाइन की तरफ खराब हो रही है। नियर टाइम में मुझे लगता है कि इस तरह का ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, इसलिए दूर रहना ही बेटर रहेगा। श्योर, बट चंदन, या क्विक रिएक्शन टेक्निकल पर्सपेक्टिव में मनक्सिया कैसा लग रहा है? जैसे सौरभ बता रहे थे कि यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल स्पेस ऑलरेडी एक बजिंग स्पेस है, बट टेक्निकल पर्सपेक्टिव में आपको क्या लगता है कितना डाउनसाइड बाकी है? देखिए, मनक्सिया का जो मेटल ट्रेंड है वो काफी नेगेटिव है। स्टॉक लगभग 130-135 के आसपास हुआ करता था और अभी 50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिन पहले इसने स्पाइक जरूर दी थी, वॉल्यूम हुआ था, बट वापस अपने हर्डल को पार नहीं कर पा रहा। जब तक ये 53-54 का लेवल नहीं निकालता, वापस यहाँ पे गुंजाइश है 44 की तरफ चला जाए। तो मेजर ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव, और ये जो बाउंस बैक आया है मेरे हिसाब से ये निकलने की अपॉर्चुनिटी रहेगी, बेहतर रहेगा दूसरे काफी क्वालिटी स्टॉक से वहां पे शिफ्ट हो जाएगी। चलिए अंचल के पास चलते हैं और रुक करते हैं हमारे इस शो के आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट का, जिसका नाम है पैनी स्टॉक। एक शेयर हम आपको बताते हैं जो कि पैनी कैटेगरी का है, एक जोरदार तेजी दिखा चुका है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स दोनों ही इस स्टॉक को या फिर इस प्राइस एक्शन को सपोर्ट नहीं करते हैं। बताइए अंचल, आज के लिए कौन सा स्टॉक है? शुक्रिया तिवारी, आज के लिए जो पेनी स्टॉक रहेगा वो रहेगा वेल प्लेस पोर्टफोलियो का। देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग शेयर है। अगर आप कंपनी के नंबर्स को देखें, सो पिछले चार तिमाहियों के नंबर्स को देखें, एज सच फंडामेंटल एग्जिस्ट नहीं करते कंपनी के। कंपनी मुनाफा कंपनी का बढ़ रहा है, आय मुनाफे से भी कम है। लेकिन अगर आप शेयर की तरफ देखें, देखिए यहाँ आगे आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ वेल प्लेस का, पिछले चार महीने का ये चार्ट है। आप देखिए कहाँ ये शेयर एक समय में फरवरी के टाइम पे 12.5 रुपये का था, और वहाँ से एक तरफा चाल दिखाता गया, और आज की डेट में 28 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी शेयर में, 28 रुपये से ऊपर के लेवल देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ एक तरफा चाल रही है, पूरे चार्ट में कहीं पर ऐसा कोई मेजर डिप नहीं आया है, लेकिन फंडामेंटल जिसे सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते। दीपाली, कंपनी की जो आय है वो महज 6 लाख की रही है Q4 में, जबकि जो मुनाफा है वो 9 लाख का रहा है। अगर आप FY 15 और 16 की भी आय देखें, FY 16 में कंपनी की आय 56 लाख की थी, और कंपनी की जो मार्केट कैप थी वो करीब 15 करोड़ की थी। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, कंपनी में प्रमोटर की महज 5.7% हिस्सेदारी है। 5.7% हिस्सेदारी, प्रमोटर नॉन एग्जिस्टेंट है, बहुत कम शेयर्स मार्केट में ट्रेड होते हैं। उसके बावजूद कंपनी के खराब नंबर्स, सिर्फ टैक्स की वजह से मुनाफा आने के बावजूद भी शेयर एक तरफा चाल दिखा रहा है। ये एक ऐसा शेयर है जिसपे कोई रीज़न नहीं, कोई फंडामेंटल नहीं है इसकी तेज़ी का, और ऐसे शेयरों से बेटर है दूर है। तो दूर रहने की सलाह तो डेफिनेटली होगी ही, क्योंकि जिस तरह से अंचल ने बताया, वेल प्लेस पोर्टफोलियो स्टॉक ने भले ही एक अच्छी तेजी दिखाई हो, लेकिन ना तो कंपनी के फाइनेंशियल्स और ना फंडामेंटल्स इसके नाम को तो बिल्कुल मैच नहीं करते हैं, यानी बिल्कुल भी वेल प्लेस्ड नहीं है। खराब नतीजे कंपनी के, और
और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लिक्विडिटी इस स्टॉक में काफी कम है, यानी वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी कम रहता है स्टॉक में। अगर आपने, जो कि हर रोज हम आपको बताते हैं, एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे, अगर आपने स्टॉक में एंट्री ले भी ली तो एग्जिट करना आपके लिए काफी मुश्किल होगा। और जितनी तेजी से ये स्टॉक चलते हैं उतनी तेजी से गिर भी सकते हैं। 28 रुपए पर अभी ट्रेड करा, और जिस तरह संचल ने बताया भी कि साल भर पहले जो स्टॉक का प्राइस होता था वो 13 रुपए का होता था, तो अलर्ट रहने की यहाँ पर जरूरत है। आप कुछ कॉमेंट करना चाहेंगे सौरभ? देखिए, इससे पहले तो मैंने इस स्टॉक का नाम भी नहीं सुना था, और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ऐसे स्टॉक्स में लोग अगर पोजीशन लेते हैं तो काफ़ी डेंट्रीमेंटल हो सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बिल्कुल दूर रहना चाहिए इन स्टॉक्स में, कि जिनके स्टॉक्स के बारे में आपने कभी नाम नहीं सुना, जिनके कोई फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स नहीं है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस नहीं है, वहाँ से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। बिल्कुल दूर रहना चाहिए, और ये जानकारी आपको इसीलिए बताई जाती है क्योंकि आमतौर पर इस तेजी को देखकर बहुत सारे निवेशक हैं जो अट्रैक्ट होते हैं और खरीदने के बारे में सोचते हैं। अगर ऐसी कोई प्लानिंग है आपकी तो अपना प्लान ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको नुकसान होने की संभावना ज्यादा है और मुनाफा होने की कम। तो अलर्ट रहे वेल प्लेस पोर्टफोलियो से, भले ही स्टॉक चला हो, लेकिन अगर आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आगाह हो जाइए। शुक्रिया आपका सौरभ, और चंदन आपका भी शुक्रिया सभी स्टॉक्स पर कमेंट्स अपने रखने के लिए। एवं मार्केट्स का हाल देख लेते हैं। 131 गिरावट भारतीय बाजारों में आई है, 8200 एक ऐसा स्तर जिसको निफ्टी बीते दो सत्रों से होल्ड करने कोशिश कर रहा था, फाइनली ब्रीच हुआ है और 8175 के लेवल्स पर निफ्टी भी ट्रेड करा है 44 अंक की कमजोरी के साथ। ब्रेक्सिट वोट से ठीक पहले एक ब्रीद लेने की कोशिश जो इंडियन मार्केट्स कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो कॉशियसनेस है या फिर जो नर्वसनेस है मार्केट की, वो थोड़ी सी बड़ी है। 8176 के लेवल पर निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है, और सबसे ज्यादा कमजोरी जिस सेक्टर में देखी जा रही है वो है बैंक्स। बैंक निफ्टी में भी एकाएक दबाव हमने देखा है, हालांकि सुबह से एक ऐसा इंडेक्स रहा है जो कि संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप देखिए जो यूरोपियन मार्केट्स हैं वो अभी भी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं।